ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਕੋਤਕੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੀਂਦ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਪਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਗਾਡੀ ਹੈ ਮਾਲ ਕੇ ਭਰੀ ਥੀ, ਇਸਕਾ ਨੰਬਰ BR04GA7172 ਯਾਨੀ 7172 यह आइसर की गाड़ी है। और ये मुद्दी मृगी भाई देखो किस तरह पलटी है, बातचीत करांगे ड्राइवर है किस तरह हालत में था या कोई नशा पता कर रहा था देख सकते हैं, तो बातचीत भी करांगे। एक साइड में ड्राइवर भी बैठा है और इसमें क्या माल भरा था वो भी देखांगे। तो पहला तो देख लियो भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी 12 टायर ही है। तो इसमें ये इस साइड ताई है, ये सारे रूख है जो दरख्त है वो सारे तोड़ रखे हैं। तो इसमें क्या कुछ भरा है वो नीचे चल के एक बार देख लिया। और यह गाड़ी किसकी है, कड़ताई है, कुकर के जावे थे, तो सारी बातचीत करांगे। ये देखो इसमें कट्टे भरे हैं, चावल चावल है भाई, इसमें चावल भरे हैं। और यह बाडी है, बाडी भी मुशरी है, सारे टूट फूट और नुकसान भी है। तो ड्राइवर है वो भी पूछांगे किस तरह के ठीक ठाक है या फिर कोई थोड़ी बहुत खरोच आई है। तो ये चावल है, चावल आपने दिखने लग रहे हैं, चावल पर चल रही थी गाड़ी है। और किस तरह पलटी है नेशनल हाईवे, जो दिल्ली पटियाला रोड है उस नेशनल हाईवे पर यह गाड़ी पलटी गई है। ड्राइवर आप है तो देख सकते हैं भाई, यह गाड़ी है इसकी नू बता रहे हैं कि पिन निकल गई है, लेकिन पता नहीं किस तरह हालत में था। थोड़ी बहुत उसके ड्राइवर के भी चोट फेट बताई गई है, लेकिन जो ड्राइवर है वो भी नहीं है, उस बातचीत कराएंगे, कोई साथ में था वो भी नहीं है, कि नशा पता भी कर रहा था या वैसे ही चल रहा था। तो यह गाड़ी है, यह गाड़ी दिखने लग रही है। और जो आपने रोड सेफ्टी ज़रूरी हो, सबसे पहले तो अगर आप ड्रिंक करते हो या कोई और मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो और भी बहुत सी सेफ्टी हो हैं जो हमने ज़रूरी हो रखनी, तो नेशनल हाईवे तो और भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ये जो चावला की गाड़ी भरी थी अभी पलट गई है और नुकसान भी हो रहा है, जो ड्राइवर है उसके भी चोट लग रही है। तो ये भाई बैठे है, किसने बताया कि उसके भी थोड़ी बहुत चोट लग रही है, वो हॉस्पिटल में है। तो ये देखो रूख हैं, जो ये वृक्ष हैं, पेड़ पौधे वो भी टूट रहे हैं आसपास के जितने भी थे। तो भाई थोड़ा सावधानी पूर्वक चलिया करो, जितना उसके बचा करो, और शराब मोबाइल का यूज़ ना करया करो, सीट बेल्ट का प्रयोग करया करो। अगर सीट बेल्ट भी ज़रूरी है, अगर आप बाइक पर चले तो हेलमेट भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो ने भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।